सब्सक्राइब कीजिए मेरे कॉन्सेप्ट ज्ञान चैनल को और इस बेल आइकन को ऑन कीजिए मेरे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। एसएससी पेपर लीक की जब घटना सामने आई थी तो काफ़ी एसएससी जो एस्पिरेंट्स थे, जो एसएससी स्टूडेंट्स थे, उनके बीच में काफ़ी आक्रोश था। उन्होंने एसएससी कॉम्प्लेक्स के बाहर 2 हफ्तों से ज़्यादा प्रोटेस्ट किया। उसके बाद बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने हल्ला बोल किया, जहाँ पे उनके बीच में काफ़ी पॉलिटिक्स हुई, उनमें गुटबाजी हुई। बट बच्चों, जो उनकी डिमांड थी उस डे से आज तक वो थमी नहीं है। कुछ मीडिया चैनल्स में हम देख सकते हैं कि ये मामला दब चुका है, लेकिन आप देख सकते हैं कि बच्चे आज भी मौजूद हैं, जो राजघाट पे अभी भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिन्होंने डीसीपी को लेटर लिखा था अपने हाथों से। आप देख सकते हैं, मैं अपने कैमरामैन को बोलूँगा कि वो जूम करेंगे, जिन्होंने एक पहले 30 तारीख को बोला था कि जिनका प्रोटेस्ट यहाँ पे वो साइलेंटली प्रोटेस्ट करेंगे, उनको ग्रांट दे दी गई थी। लेकिन फाइनल में जो 2 तारीख को भी हुआ था, सुबह उनको कॉल आता है और बोलते हैं कि ये आपको यहाँ पे अलाउड नहीं है, आप यहाँ पे प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं। उसके बारे में बात करेंगे हम स्टूडेंट से जो यहाँ पे मौजूद हैं। सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि ये मामला पिछले 1 महीने से चल रहा है, 1 महीने से भी ऊपर हो चुका है। जो पहले दिन था डिमांड, आज भी क्या आपकी वही डिमांड है? क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट भी बीच में आई, सब ने इस बारे में, काफ़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने भी अपनी गुटबाजी चली, सब चीज़ हुई, तो क्या वही डिमांड है अभी भी? जी, हमारी जो डिमांड थी, डिमांड के साथ हम बिल्कुल अडिग हैं कि जितने भी एसएससी के एग्ज़ाम्स हैं, 14-15 एग्ज़ाम्स जो एसएससी साल भर में कंडक्ट करवाती है, सारे के सारे एग्ज़ाम्स की सीबीआई जांच होनी चाहिए। और दूसरा हमारा था कि ऑन गोइंग एग्ज़ाम्स जितने भी हैं उन पर स्टे लगना चाहिए। तो हमारा यहाँ पर अनशन करने का जो मकसद था वो ये था कि अभी अगर ये लोग बोल रहे हैं कि एसएससी के सीजीएल जो पेपर है उसके मेन्स पे इन्होंने सीबीआई इंक्वायरी इनिशिएट करवा दी है, पहली बात तो ये है कि जो भी अगर इनिशिएट करवा दी गई है तो उसका रिजल्ट आने से पहले तो एक रिपोर्ट तो आनी चाहिए कि अब तक उसमें क्या प्रोसीजर हुआ है। अगर उन्हीं लोगों का सिलेक्शन फिर से हो गया, हम लोग तो फिर से पीछे चले जाएंगे। ईमानदार कैंडिडेट्स का तो कभी होगा ही नहीं सिलेक्शन। तो और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि 2017 तो हमारे हाथ से निकाल ही रहे हैं ये लोग। 2018 के जो भी नोटिफिकेशन आ रहे हैं विदाउट रिफॉर्म्स, अगर वो आ जाएंगे तो बताइए हम कहाँ जाएंगे। उसमें कोई अगर रिफॉर्म नहीं आएगा, सेम वेंडर एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है, ग्रीवेंस सेल अगर उसमें नहीं है, एज रैकनिंग अगर नहीं है, नॉर्मलाइजेशन नहीं है, तो बताइए उसका क्या फ़ायदा होगा। 2017 गया, 2018, ऐसे तो हम 19, 20, 21 प्रोटेस्ट ही करते रहेंगे हमेशा। आपने बताया कि आप हंगर स्ट्राइक भी करने वाले थे पिछले 30 तारीख को, 2 तारीख को, वहाँ पर क्या आपको कठिनाई हुई, क्या आपको सुबह कॉल आया, उसके बारे में बताएं। जी, हम लोग बताना चाहेंगे, जो चार लोगों के नाम से परमिशन है हंगर स्ट्राइक की, कल हमने हंगर स्ट्राइक अपनी शुरू कर दी थी, बेशक हम बैठे नहीं थे, कल से हमारी हंगर स्ट्राइक शुरू थी। कल इन्होंने क्या किया है कि हम लोगों ने 30 तारीख के लिए, 30 तारीख की रात को, 30 तारीख को परमिशन ली हमने, उसके बाद 1 को परमिशन ली, फिर 2 को परमिशन ली। अब ये लोग बोल रहे हैं कि आप लोग रामलीला मैदान में चले जाइए, ऐसे हम परमिशन ही लेते रहेंगे। उसके बाद ये क्या करते हैं, 30 तारीख की रात को 8 बजे, 1 तारीख को हमें अनशन पे बैठना था, 8 बजे फ़ोन आता है एसएचओ साहब का और वो बोलते हैं कि आप लोग जो है अलाउड नहीं कर सकते, आप लोग नहीं बैठिए। हम लोग जो है उसी टाइम दरियागंज थाने में जाते हैं, 9:30-10 बजे के करीब हम वहाँ पर पहुँचते हैं, तो हमारी बात होती है एसएचओ साहब का, 2 घंटे वेट कराया जाता है। वेट करके जब हम उनसे बात करने जाते हैं तो हमारी बात तक सुनने को तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा हमने आपको कॉल करके बता दिया था, फिर भी आप यहाँ पे चक्कर काट रहे हो, तो आप यहाँ से चले जाओ, मैं कुछ भी नहीं सुनूँगा और ये परमिशन आपको नहीं मिलेगी। हमने कहा सर परमिशन तो हमें रिसीविंग मिल चुकी है, तो हम क्यों नहीं बैठ सकते वहाँ पर। तो उन्होंने कहा नहीं, ऑर्डर्स हैं, आप लोग नहीं बैठ सकते। हमने उनसे बात करने की कोशिश की, सर 5 मिनट हमारी बात सुनिए। उन्होंने जैसे तैसे हमारी 5 मिनट बात सुनी, उसके बाद भी अडिग रहे, नहीं हो सकता। हम लोग 1 तारीख को सुबह 9 बजे शार्प एट 9 o'clock हम फिर से थाने में पहुंच गए। वहाँ पे हम लोगों ने बात करने की कोशिश की, हमने डीसीपी साहब जो हैं उनका 2 घंटे वेट किया, 11 बजे वो आते हैं, उनसे हमारी मीटिंग अरेंजमेंट सेल में एक सर हैं, उन्होंने हमारी मीटिंग फिक्स करवाई। मीटिंग फिक्स करवाने के बाद हमारी उनसे आधा घंटा बात हुई। उन्होंने जो एडिशनल डीसीपी हैं एंटो एल्फोंस सर जो हैं, उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने कहा देखिए आपका जो कॉज है वो बहुत जेन्युइन है, हम लोग आपके साथ हैं,
इतने दिनों से 18 दिन तक हम लोग जैसे सीजीओ पे बैठे हुए थे, फिर 31 मार्च को हम लोग संसद मार्ग पे बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि हमारे पास ईच एंड एवरी डिटेल है, हमें पता है आप शांतिपूर्ण ढंग से प्रोटेस्ट कर रहे थे और हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप लोग इसका अरेंजमेंट करिए, हम आपको परमिशन दे देते हैं, लेकिन आप लोग पीसफुली वहाँ पर रहिए। हमने कहा ठीक है सर, अगर कोई अराजकता अगर ऐसी फैली तो आप कभी भी कहेंगे तो हम उठने को तैयार हैं। हम राजघाट पे इसीलिए बैठ रहे हैं, इस जगह का कोई सिग्निफिकेंस है? हम जब सीजीओ पे 18 दिन बैठे थे तो उसका सिग्निफिकेंस था कि हम एसएससी के हेडक्वार्टर के सामने बैठे हुए थे और एसएससी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, तो हम उसके सामने बैठे थे। 31 मार्च को जब हम संसद मार्ग पे बैठे थे उसका भी सिग्निफिकेंस था, क्योंकि हमारी मांग को हम चाहते थे पार्लियामेंट में उठे, इसीलिए पार्लियामेंट चल रही थी उस दिन और पार्लियामेंट के सामने हम लोग बैठे थे। अब लास्ट हथियार हमारे पास ये था कि हम अनशन पे बैठे, और क्योंकि ये शांति से हम लोग बैठने वाले थे और गांधी जी जो हैं वो शांति के दूत हैं, सबको पता है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे बैठने वाले थे। इस जगह का कोई सिग्निफिकेंस है, इसीलिए हम लोगों ने इसी हिसाब से तैयारी की और यहाँ पे बैठने का सोचा। लेकिन उन्होंने, डीसीपी साहब ने हमें परमिशन ग्रांट कर दी, उन्होंने कहा, रिसीविंग हमें मिल गई, उन्होंने कहा 2 तारीख से, आज से मतलब आप लोग वहाँ पे बैठ सकते हैं। तो हम लोगों ने इस हिसाब से अपनी तैयारी शुरू कर दी। तो आज सुबह सब तैयारी अच्छे से चल रही थी, हमने जैसे तैसे टेंट अरेंज करवाया, 8-9 बजे के करीब यहाँ पे टेंट लग रहा था। 10 बजे के करीब जो है हमारे एक साथी के पास फ़ोन आता है और कहा जाता है कि आपकी परमिशन जो है वो डिनाई कर दी गई है। सर बताइए, मतलब हम लोग सारी तैयारी कर चुके हैं, आज हम अनशन पे बैठ, कल भी आपने ऐसे किया, आज भी हम अनशन पे बैठने वाले थे, आपने एंड टाइम पे परमिशन कैंसिल कर दी। सर आप अगर नहीं परमिशन देनी तो आप पहले बताइए। एसएचओ साहब कहते हैं कि आपको परमिशन नहीं मिल सकती है, ऊपर से ऑर्डर्स हैं। हमें समझ में नहीं आ रहा कहाँ ऊपर से ऑर्डर्स आ रहे हैं। हम लोग यहाँ पर बैठे, हमने कहा हमारे पास रिसीविंग है, इसी को लेकर हम यहाँ बैठेंगे। हम लोग जो है, आपने देखा होगा दोपहर में 40 डिग्री से अबव टेम्परेचर था, हम धरती पर बैठे हुए थे और इतनी गर्मी में हम लोग बैठे थे वहाँ पर। हम किसी को कुछ नहीं कर रहे थे, हम लोगों ने कोई स्लोगन नहीं किया, स्लोगन यूज़ नहीं किया, हम लोगों ने कोई बैनर नहीं लगाया, दरिया नहीं थी, कोई गद्दे नहीं थे, कोई टेंट नहीं था, कोई साउंड नहीं था, किसी चीज़ की फैसिलिटी नहीं थी, हम लोग वहाँ पे बैठे हुए थे। तो क्या किया कि हमें वहाँ, हमारे एक साथी को वहाँ से उठाया, उठा के उनको कहा कि चलो थाने चलो, तुम लोग हमारी बात नहीं मान रहे हो तो चलो हम तुमको अरेस्ट करेंगे, हम ये करेंगे, हाँ सेक्शंस लगाएंगे। जो एसीपी मैम है वो भी हमसे मिलने के लिए आई, एसएचओ साहब भी हमसे मिलने के लिए आए, सभी इतना प्रेशर क्रिएट कर रहे थे कि नहीं आप लोग यहाँ से हट जाइए, आप लोग रामलीला मैदान में चले जाइए। जब हमने ये जगह डिसाइड कर लिया है, हमने अपना मैसेज जो है वो ऑल ओवर इंडिया में फैला दिया है कि हम लोग यहाँ पर अनशन पर बैठ रहे हैं, तो बताइए एंड टाइम पर सुबह 10 बजे हम कैसे वेन्यू चेंज कर लें अपना। हम लोग, हमने कहा सर आप बताइए कि कौन सा लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब किया जा रहा है हमारी तरफ से, हम लोग पीसफुली बैठ रहे हैं, किसको शौक है, किस यूथ को शौक है इतनी भारी गर्मी में और गर्म इस पे धरती पे बैठने का, हम लोग फिर भी बैठे यहाँ पे। लेकिन उन्होंने क्या किया, अपना वही यूज़ करने, फोर्स यूज़ करने की कोशिश की, जैसे तैसे आपके ऊपर सेक्शंस लगा दिए जाएंगे, आप लोग कोर्ट के चक्कर काटोगे, आप लोगों का भविष्य दाव पर लग जाएगा। तो बताइए सर ऐसे देश में मतलब क्या हो रहा है, हमें समझ नहीं आ रहा, क्या ये हमारा लोकतांत्रिक हक नहीं है, ये हमारा राइट नहीं है कि हम यहाँ पे बैठ सके, हम कोई क्रिमिनल्स तो है नहीं, हम स्टूडेंट हैं, हम भी पढ़े लिखे यूथ हैं, ये हमारा हक है यहाँ पे बैठना। तो समझ नहीं आ रहा सर अब क्या किया जाए। इनके साथी से ही बात करते हैं जो शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे थे सुबह, और पुलिस आई और वायलेंट तरीके से उनको उठाया गया, आपके साथ एक्चुअल में सुबह हुआ क्या था बताइए। एक्चुअली सुबह हम लोग 5 बजे आए यहाँ पे जो टेंट लगाने के लिए, तो 5 बजे आए, तो 5 बजे से जो टेंट वाला आया था, तो 5 से 8 तक जब यहाँ पे जो पेट्रोलिंग पार्टी होती है, जब वो आए हमसे पूछने परमिशन मांगा, तो मैंने उनको दिखाया ये जो कॉपी थी हमारे पास, फिर मैंने उनको जो है मतलब बात भी कराया, जो ऑफिसर हमारे लिए अपॉइंट हुए थे डीसीपी ऑफिस से, मैंने उनसे बात करवाया। तो बात करवाने के बाद उन्होंने बोला ठीक है इट्स ओके, आप एक बार फिर भी जो है आप एक बार पुलिस स्टेशन चले जाओ। हम पुलिस स्टेशन गए और जो वहाँ के ड्यूटी ऑफिसर थे, हमने उनसे भी उनकी बात करवाई, सब कुछ ओके था। 9 बजे हम यहाँ से जाते हैं अपने घर के लिए, फिर से वापस आने के लिए 1 घंटे में, तो 9 बजे जाने से पहले सब कुछ ठीक था। जब हम घर से अभी वापस आ ही रहे होते हैं, तब तक हम जो टेंट लगाने वाला था उसने मुझे फ़ोन किया, बोला कि भैया यहाँ पे कुछ लोग कुछ जो है सर आए हैं, उन्होंने मतलब मना कर रहे हैं। तो मैंने कहा जरा सर तुम तो आप मतलब बात करवा दीजिए। मैंने बोला सर आप कौन, तो उन्होंने बोला कि मैं जो है एडिशनल SHO हूँ और आप जो है आपको परमिशन नहीं है। मैंने कहा सर हमने तो DCP सर से बात कर ली थी, उन्होंने कहा था कि आप टेंट लगा लो, आप मोबाइल टॉयलेट लगा लो, बट फिर भी फिर जो परमिशन कैसे कैंसिल हो गई। तो उन्होंने कहा देखिए मेरा सवाल जवाब हम नहीं कर सकते, आपको परमिशन नहीं है। मैंने बोला कि आप बताइए तो सही,
कि परमिशन को किसने कैंसिल किया, तो बोले ये ऊपर से आर्डर आया। हमको सर ऊपर से आर्डर में कोई अथॉरिटी तो होगी, आपको नाम बता दीजिए, नाम से आप उनका पोस्ट बता दीजिए कि डीसीपी सर हैं कि जेसीपी सर हैं, कौन है। तो उन्होंने बोला देखिए ज़्यादा आपसे हमको सवाल जवाब नहीं करना, आपको कैंसिल आपको परमिशन नहीं है। जब हम यहाँ पर आते हैं तो सारे टेंट्स सारे मैट्स जो भी बैठने के लिए बिछाने के लिए सब कुछ था, उन्होंने सब कुछ पैक करवा के जो है गाड़ी में भरवा दिया। हमसे यहाँ आगे उनसे पूछे तो हमको धमकी देते हैं कि आप लोगों के साथ केस दर्ज हो जाएगा और आप मुझसे ज़्यादा बहस मत करिए। और कहते हैं ना कि एक पूरी तरीके से पूरी मशीनरी का उपयोग करते हैं हमको डराने के लिए, धमकाने के लिए, ज़्यादा बोलोगे तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, तुम अभी युवा हो, तुम्हारे पर केस दर्ज हो जाएगा, तुम्हारी पूरी ज़िंदगी पड़ी है, एक FIR होता ही तुम्हारी पूरी नौकरी ख़त्म पड़ जाएगी। फिर उसके बाद हम जाते हैं डीसीपी ऑफिस कि सर से एक बार डीसीपी सर से बात करने के लिए, बट सर आज जो है वहाँ पर मतलब मौजूद नहीं होते हैं। बट फिर हम लोग वहाँ मतलब वापस आते हैं, तो वापस आने पर हम लोग देखते हैं कि ये लोग फिर मतलब हमको बोला कि इसको उठा के थाने ले चलो। कुछ नहीं, हमने अभी तक बॉम्ब बैठने की प्लानिंग तक नहीं की थी। हमको सर आप बताइए इसमें क्या गलत है, क्या पीसफुली प्रोटेस्ट करना कुछ गलत है? तो उसके बाद उन्होंने इसको उठा के थाने चलो जबरदस्ती में उठा के लेके जाने लगे, और उसके बाद फिर उन्होंने काफ़ी डराया धमकाने की कोशिश की, बट फिर हम लोग यहाँ से हटे नहीं। और उसका नतीजा फिर आपने देखा क्या हुआ। जब प्रोटेस्ट की बात करते हैं तो सभी सरकार का ये बोलना है कि पीसफुली प्रोटेस्ट करिए, और जब बच्चे SSC के स्टूडेंट्स पीसफुली प्रोटेस्ट करते हैं तो पुलिस का फोर्स यूज़ किया जाता है। और हैरानी की बात यह है कि इनको बोला जाता है कि आप SSC के एग्ज़ाम की तैयारी मत करिए, आप UPSC करिए, आप किसी और एग्ज़ाम की तैयारी करिए, आप ये आपको हक है ही नहीं कि आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं। तो ये हैरानी की बात है, ये रियलिटी है आजकल जो यूथ फेस कर रहा है। ये पिछले काफ़ी समय से, अगर मैं आपको बताना चाहूँगा, पिछले इतने टाइम से घर से बाहर है। घर वाले, आपका घर वालों से बात होती होगी तो उनका क्या कहना है आपको लेके, जो आप पिछले टाइम से इधर से उधर भाग रहे हैं अपनी मांगों को लेके? गांव में जहाँ तक अभी मैं घर गया था तो काफ़ी गांव में नाराज़गी थी इस प्रति की, से जितने भी 2 करोड़ युवा के साथ जो भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, इसके लिए काफ़ी ज़्यादा आक्रोश था। अब पेरेंट्स में भी ये आक्रोश पनप रहा है। तो अभी भी घर से कॉल आया गया, क्या अभी भी सरकार क्या कर रही है तुम लोगों के साथ? तो घर में हमको झूठ बोलना पड़ा, जिससे पुलिस फोर्स जो हमारे साथ बल प्रयोग नहीं कर रही है, आराम से हम लोग बैठे हुए हैं शांतिपूर्वक अनशन पर बैठे हुए, लेकिन ऐसा हम यदि घर वाले बताते तो वहाँ पर डर जाते, इसलिए हम बता नहीं पाए। पापा का कॉल आया, मम्मी का कॉल आया, ये मतलब सरकार दबाने की कोशिश इतना ज़ोर से कर रही है, इतना ज़्यादा बल प्रयोग किया गया वहाँ पे कि हम लोग धक्का मुक्की करके उठाया गया वहाँ से। अब नहीं उठने के बाद भी वहाँ पे ऐसे एक नहीं SCP आई, मैम आई, सब ने चार्ज लगाने के 56 धारा कई धारा बता के वो डराने की कोशिश किया गया। तो वैसे तो हम लोग नॉर्मल फैमिली से आते हैं, यदि कोई भी धारा लग जाती है तो कौन बचाने आएगा? और सरकार, ये जो अंधी बहरी सरकार है, ये सुनने के लिए अभी भी तैयार नहीं है। अंत में मैं खुद नहीं, मैं इनसे ही जानना चाहूँगा कि अभी भी इनकी मांग क्या है और कब तक ये SSC का प्रोटेस्ट चलता रहेगा, थमेगा नहीं? मैं आपके मुँह से ही जानना चाहूँगा कि आप क्या कहना चाहें। सर हम पिछले दो महीनों से इस SSC के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक हमने हार नहीं मानी है। हमें CGO कॉम्प्लेक्स से उठाया गया 31 मार्च को, हम हटे वहाँ से, यहाँ अनशन से हमको उठाया गया, लेकिन हमने हार नहीं मानी है और ना ही हम मानेंगे। अब हम इसको बहुत बड़े स्तर पे लेके जाएंगे, देश के गांव गांव शहर शहर, हर बच्चे, हर आम आदमी, ठेले वाले को, मजदूर, किसान को, अमीर गरीब, हर इंसान को ये पता चले कि SSC जो कमीशन है उसमें इतने बड़े स्तर पर धांधलेबाजी चल रही है। हम हार ना ही माने थे ना ही मानेंगे। हम सारे स्टूडेंट्स मिलकर इस संदेश को जितना जोरों शोरों से फैला सकेंगे उतना जोरों शोरों से फैलाएंगे, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे।